सब्सक्राइब करि नियंतु ओडिया टेक सपोर्ट चैनल को क्लिक करि दियंतु बेल आइकन रे नुवा ओडिया टेक्निकल वीडियो सबडु प्रथमे देखिया पई जय जगन्नाथ दर्शक बंधु म आपन अनु बहुत स्वागत जणु छपन को प्रिय चैनल ओडिया टेक सपोर्ट को तो दर्शक बंधु आज हमे ट्रेन रे लिखाई थिया किछटा यूनिक कोड को जानिबा किछटा यूनिक संकेत को जानिबा किछटा यूनिक लेटर को जानिबा जहा द्वारा हमें गोटे ट्रेन रो से जो कोड को लेकि ताको हमें जज करि परिबा जेमिति कि आपन माने देखिथिबे गोटे बगी रे लिखाई थिबो लिफ्ट हियर बा साइड फिलिंग एवं गोटे बगी रे देखिबे नंबर लिखाई थिबो 02345 एमिति किछ नंबर लिखाई थिबो एवं गोटे जगह रे आपन मानको विभिन्न प्रकार संकेत देखिया को मिलिबो जो संकेत रो एक्चुअली अर्थ कोन एवं ताको हमें किपरि हमें जज करिबा तो सेही विषय रे हमें आज कथाबार्ता हबा ए वीडियो माध्यम रे त आपन माने जदि भिडियो शेष पर्यटन देखिए ट्रेन रिलेटेड बा कौन सी बगी रिलेटेड आपने विभिन्न प्रकार इनफर्मेशन गैदर करेंगे नलेज गैदर करेंगे ये वीडियो मध्यम दर्शन आज डेरी करेंगे चैनल वीडियो स्टार्ट करेंगे दर्शक बंधु आपने देखिथे कि ट्रेन गुड़िक विभिन्न प्रकार यूनिक कोड लिखा जाए थे तो पूर्व आपने देखिथे गोटे ट्रेन रो जो गोटे बगी थाए लास्ट ट्रेन रे गोटे जगह तल पोर्सन में लिखा जाए थे लिफ्ट हियर और साइड फिलिंग तो यार अर्थ कौन जदि साइड फिलिंग लिखाई यार अर्थ हूँ आपर जो सब यूरिनाल गुड़िक लगी थाए तार टांकी मैंने से ही जगह गोटे पाइप थाए जो पाइप जो आप ट्रेन जाए गोटे बड़ बड़ स्टेशन लगी थाए 15-20 मिनट सेठी हल्ट करेंगे जमीन आम विशाखापाटना हो खोर्धा हो यू जगह पानी पानीर पाइप देखिए आप ट्रेन लाइन मझे गोटे पानी पाइप जाइए पाइप बाहर थी जो गुड़ाक जब स्टेशन जो ट्रेन टी अटके लिफ्ट हियर आउ जो साइड फिलिंग लिखा जाए थे जो साइड फिलिंग लिखा जाए थी से ही पाइप कनेक्शन कराए जहाँफल कि आप जो ट्रेन टांकी अच्छी पानी टांकी अच्छी से फिल कराए आपने कहते हैं लिफ्ट हियर मानने कौन लिफ्ट हियर मानने कौन जिते गोटे ट्रेन रिपेयर पर गोटे कौन प्रकार मरामती केन्द्र को से कौन कराए तार जो व्हील आउ तार बगीटा को डिफरेन्स कराए मैंने तार जो बडी आउ तार व्हील को डिफरेंट करा जाए जहाँ कि लिफ्ट हियर माने यही पोर्सन में गोटे हुक लगी थाए से जो लिफ्ट हियर जो लिखा जाए से ही हुक ही ट्रेन टी टेका जाए थे जहाँफल कि जब जहाँ रिपेयर करार थोड़ा व्हील चेंज करार थोड़ा से सब जिन कार्यक्रम कराए देखिए ट्रेन उपरे गोटे बड़ बड़ गंबुज थाए से गंबुजर कारण कौन से जो ट्रेन गंबुज गुड़ी हूँ एयर भेन्टिलेटर मैंने जिते सब मानते भितर जिते एयर भेन्टिलेसन मानते भितर जो एयरटा बाहर को बाहर करने भितर गोटे मानते ठीक भेन्टिलेसन रखापी से गंबुज लगी है से पटु क्लोज रही है जहाँफल कि वर्षा पा भितर पशिपार न थाए तो यहाँ गोल गंबुज गुड़ी गुड़े लोक जो मैंने कि डाउट करते ना ये जिनकी कौन एक्चुअली कौन पर लगी भेन्टिलेसन लगी एयर भेन्टिलेसन व्यवहार कराए तापर आपने देखिए कि गोटे गोटे ट्रेन लगी ट्रेन रगी में लास्ट ट्रेन में एमती गार पड़ी जोटा कि आपको पिक्चर शो करुँच तो जदि आपने देखिए कौन से ट्रेन बगी में यही सिंबल अच्छी तेल जानदेवे कि यही ट्रेन टी बिना संरक्षित बा जनरल बगी जो थी बिना संरक्षण में बिना आपने प्रिवियसली टिकेट बुक करके जनरली आपने ट्रावेल करें जनरल टिकेट धारण करें तो ये जनरल जो जनरल पैसेंजर ट्रेन रही सिंबल थी तेल आपने देखिए से ही बगी में आपको तीन टा गेट देखा मिले कारण जेहेतु अधिका सारा लोक मैंने से ही ट्रेन में मैंने से ही बगी में जातायात करते जनरल बगी में से बाहर परें एंट्री करापाई से तीन टा गेट रखा जाए थे कि अन्य जो एसी स्लीपर ये सब कोच गुड़िकर दुईटी लेखे कौन गेट रखा जाए थे तो आप समस्त जानते कि ट्रेन में तीन प्रकार चारि प्रकार तीन प्रकार कोच अच्छी जमीक आपर एसी रहा रहा आप स्लीपर तापर आपला जनरल बगी रहा चेयर कार मिक्स जोटा आउ गए रहा लगेज आउ गोटे आपर जो इनवर्टर बैटेरी जोटा कि आपर एसी जो ट्रेन गुड़िक गोटे गोटे लगुच लास्ट एंड रहा फास्ट एंड रे तो आपन को बर्तमान कही रखी कि ये जो ट्रेन गुड़िक रोचे जो जनरल बगी गुड़िक सब ट्रेन इंजन पाखे ट्रेन लास्ट एंड रही है और मझीरे सब स्लीपर और एसी कोच गुड़िक रही है तो दर्शक बंधु आपने देखिए नंबर ऑफ कोच मैंने जो आपर जो कोच गुड़िक थाए से कोच गुड़िक आपर जो बगी गुड़िक विभिन्न प्रकार यूनिक कोड लिखा जाए से यूनिक कोड मानने अर्थ कौन आम जानक चाहिए तो ये जो यूनिक कोडा पांच डिजिट रही है आपने मार्क करेंगे गोटे बगी में लिखा जाए 02345 ये किसी लिखा जाए तो आम कमी जज करवा से विषय में आज कथबार्ता होगा तो दर्शक बंधु आपने जाने रखा दरकार अच्छी कि 5 डिजिट कोड रहे सब बगी में फास्ट दुईटा डिजिट हो तार केबे से मैन्युफैक्चर है मनकर सपोज 2020 जदि गोटे मैन्युफैक्चर है गोटे बगी ताले फास्ट दुईटा डिजिट लिखाई थोड़ा 20 जदि 2009 या तो फास्ट डिजिट लिखाई थोड़ा 09 तापर रहा तीन टा डिजिट से तीन टा डिजिट केमी स्थिर कराए जमी आपर एसी कोच जदि होती है तार नंबरींगा 1-200 भितर थी
ମାନେ ସେଇ କୋଚ୍ରେ 1-200 ସିଟ୍ ଅଛି ଏବଂ 200 ହେଉଛି ତା'ର କେବଳ ମାନେ ଧାରଣ କ୍ଷମତା। ତାପରେ ରହିଲା ଯଦି ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତା'ର ନମ୍ବରିଂଟା ଥିବ 200-400 ଭିତରେ, ଏବଂ ଯଦି ଜେନେରାଲ୍ ବଗି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତା'ର ନମ୍ବରିଂ ଥିବ 400-600 ଭିତରେ, ଏବଂ ଯଦି ଚେୟାର କାର୍ ହେଇଥିବ 600-700, ଏବଂ ଯଦି ସିଟିଂ କମ୍ ଲଗେଜ୍ ମାନେ ବସିକି ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏବୁଲ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଲଗେଜ୍ ବି କିଛି ଯାଏ, ସେଇଟା 700-800। ଏବଂ ଯଦି ପାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ ଥିବ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି ରୋଷେଇ ପତ୍ର କରାଯାଏ, ଜେନେରେଟର୍ ବଗେରା ଲାଗେ, ସେଗୁଡ଼ିକ 800+। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଯିବ, ଯଦି ଗୋଟେ କୋଚ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି 09324 ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଧରିବେ? 09 ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଟା ତା'ର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ମାନେ ଏଇ କୋଚ୍ଟା କେବେ ତିଆରି ହେଇଛି 2009, ଏବଂ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 324 ମନେକର ସପୋଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 09324, ତ 324 କାହା ଭିତରେ ଆସୁଛି 200-400 ଭିତରେ, ୟା ଅର୍ଥ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍। ତ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଏସି ପାଇଁ ହେଲେ 1-200, ସ୍ଲିପର୍ ପାଇଁ ହେଲେ 200-400, 400-600 ହେଉଛି ଜେନେରାଲ୍ ବଗି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେୟାର କାର୍ ହେଉଛି 600-700, ଏବଂ 700-800 ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଟିଂ କମ୍ ଲଗେଜ୍, ଏବଂ 800+ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ 800ରୁ ଅଧିକା ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ପାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରେଟର। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ବଗିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 21802, ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ? 21 ମାନେ 2021 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, 802 ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ଅର୍ଥ 800+ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ମେ ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ଜେନେରେଟର। ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସି ବଗିରେ ଜେନେରେଟର୍ ଲାଗେ, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ ଲାଗେ, ତ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ 803, ଏଇଟା ଆଇଦର ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ ହେଇଥିବ, ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ ଯଦି 803 ଥିବ, ନହେଲେ ହେଇଥିବ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରେଟର। ତ ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଚ୍ଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ବଗିଟା କ'ଣ ଏବଂ କେବେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କରେ ଏବଂ LV ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ତ ୟା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଲାଷ୍ଟ ବଗି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଟାକୁ, ଲାଷ୍ଟ ଭେହିକିଲ। ତ LV ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଭେହିକିଲ। ତ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ କି ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ବଗିଟା ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, LV'ଟା ଯଦି ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଦିଏ, ୟା ଅର୍ଥ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଟକି ନାହିଁ, ଟ୍ରେନ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାସ୍ କରିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ନଲେଜ୍ ଗ୍ୟାଦର୍ କରିଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ୱେଟ୍ ରଖିବା, ଆପଣ ତ ଦେଖା ହେବ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।